रहमान रहीम, यह है लाहौर का शाही किला। इसकी मैं आपको सैर करवाता हूँ। ये मेन दरवाज़ा है, गेट है इसका। मेन गेट से जैसे ही आप इस तरफ देखेंगे, ये हजूरी बाग है और वो बादशाही मस्जिद का एंट्री होने के लिए वो गेट इस्तेमाल करना पड़ेगा। चलें जी, उस गेट पे चलते हैं जिस गेट से हम अंदर दाखिल होंगे इस लाहौर शाही किले के अंदर। चलते हैं उस तरफ। मशरक़ वाला दरवाज़ा है इसकी आप मोटाई ज़रा, उस दौर का ये बना हुआ दरवाज़ा है इसकी आप ज़रा ये चेक करें, इसकी मोटाई दरवाज़े की। और ये बाज़ार, यहाँ से हम बाहर निकल जाएंगे। ये इस तरफ जैसे ही आप अंदर दाखिल होंगे तो ये आपको हुजूरी बाग नज़र आएगा। अब चलते हैं जी हम किले के अंदर उस दरवाज़े से जहाँ से हमने अंदर दाखिल होना है, और फिर अंदर की सैर आपको करवाते हैं। ये हुजूरी बाग, ये जनाब शाही किले लाहौर का मेन इंट्रेस, जहाँ से आप अंदर दाखिल अंदर, और ये शाही किले का मेन दरवाज़ा है। मैं अगर गलत नहीं हूँ तो ये शीश महल का दरवाज़ा है। बादशाह सलामत हाथी पे यहाँ पे आया करते थे। ये बैरूनी दीवार है शीश महल की, इंतहाई खूबसूरत। सदियों से ये ऐसे ही शान और ताकत से खड़ी हैं ये इमारतें। और इस गेट से हम अंदर दाखिल हुए हैं जी। ये दीवारों की आप मोटाई और इनकी आप ताकत का ज़रा होंगे, लेकिन मैं आपको इस तरफ जाने से पहले आपको दिखाऊँगा शीश महल। ये है शीश महल की वो सीढ़ियाँ जहाँ से बादशाह सलामत हाथी पे ऊपर जाया करते थे। थोड़ा सा मैं आपको इस तरफ से नज़ारा करवाता हूँ, खूबसूरत। ये देखें, मैं ऊपर चलता हूँ, इस तरफ से मैं आया हूँ, और ये थोड़ी सी और सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ेंगे तो आप पहुँच जाएंगे शीश महल। इस तरफ से आप आए जी, हाथियों का ये रास्ता था। यहाँ पे एक गोरी है, उसके साथ लोग तस्वीरें बना रहे हैं। मुझे लगता है उसको भी मैं फिल्माता हूँ जी। बड़े हैप्पी और खुश हैं ये। मैं करीब से फिल्माने की कोशिश करता हूँ। ऊपर आया हूँ तो इस जगह पे बादशाही मस्जिद का इंतहाई खूबसूरत नज़ारा नज़र आ रहा है। ये मेन गेट है किले का जो बंद हो चुका है। मैं असल में समझ के आया था कि शीश महल थोड़ा सा मुझे और आगे जाना पड़ेगा, फिर आपको शीश महल की मैं करवाता हूँ। इस तरफ आप जाएंगे तो ये दीवान ख़ास और शीश महल की तरफ रास्ता जाता है। मैं आगे जा के आपको दिखाता हूँ। ये किले के वो हिस्से हैं जहाँ पे बादशाह सलामत और बाकी वज़राए और लोग घूमा करते थे, लेकिन अब तो ये जगह उजड़ चुकी हैं। सच कहें तो उन दिनों में, उन वक्तों में क्या नज़ारा होगा इस जगह का, आप खुद सोच सकते हैं। बादशाह सलामत हाथियों पर आते होंगे और आके यहाँ पर अहकाम देते होंगे लोगों को। असल में इसकी तरतीब बदल चुकी है, कुछ जगहों पे इन्होंने ममनू कर दिया है जाना। जगह जगह इन्होंने बोर्ड लगा दिए हैं दाखला ममनू के, इसलिए कि शीश महल में भी हम नहीं जा सके, इसलिए कि नज़र आ सकता है, इसलिए कि अंदर जाना उस तरह से अलाउ है नहीं। यहाँ से भी दाखला ममनू कर दिया है। काफ़ी जगहों पर आपकी रसाई मुमकिन नहीं है अब, जबकि पहले ऐसा नहीं था। ये उसी दौर की लगी ईंटें हैं जहाँ से बादशाह सलामत गुजरा करते थे। इन रस्तों पे सैर तफरी घूमा करते थे। क्या उस दौर में वक्त होगा, क्या नज़ारा होगा। ये जो पानी के हौज हैं, उस दौर में रानियों के लिए शायद यही नहाने के लिए या बाकी चीज़ों के लिए होते होंगे। और जैसे आप इस तरफ देखेंगे तो ये है दीवान ख़ास। बादशाह सलामत यहाँ पे बैठा करते थे, और यहाँ पे उनकी बेगमात भी यहाँ पर उनके साथ बैठा करती थी। शीश महल से जैसे ही आप दाएँ तरफ आएँगे तो ये आपको सामने नज़र आएँगी इमारत। शीश महल अगर आप देखें तो इस तरफ है, लेकिन वो वहाँ पे आप जा नहीं सकते। बाकी चीज़ें इस तरह की हैं, साइडों से आप व्यू देखें तो ये इस तरह के खूबसूरत से व्यू बनते हैं। ये है जी शाही किला, ज़ाहिर है सदियों पुराने किले हैं। इनकी उस तरह से वो मेंटेनेंस होती नहीं है जैसे होनी चाहिए, तो काफ़ी सारी चीज़ें अब बदल चुकी हैं। अगर आप यहाँ पर नोट करें तो ये जब मैं बचपन में यहाँ पर आया था तो ये दीवारें काली नहीं थी, जबकि अब तो काली हो चुकी हैं। ज़ाहिर है जी वक़्त के साथ साथ चीज़ें बदलती रहती हैं, इनकी मेंटेनेंस कभी कभार होती है। इसलिए ये दीवान ख़ास है जहाँ पे बादशाह सलामत बैठा करते थे। उस दौर में क्या शानदार वक्त होगा, बादशाह सलामत, वज़राए और बाकी लोग यहाँ पे, जब पूरे प्रोटोकॉल में यहाँ पे बादशाह सलामत आते होंगे तो आम बंदे की तो पहुँच ही नहीं होगी इस जगहों में। आम लोगों की पहुँच से ये बिल्कुल ही दूर चीज़ें थी। आम लोग इन चीज़ों की खूबसूरती और इन चीज़ों की ताकत को बिल्कुल भी महसूस ही नहीं कर पाते होंगे। सेम ऐसे ही है जैसे अब वज़ीरे आज़म और सदर हाउस में हम नहीं जा सकते, वज़ीरे आज़म हाउस और बाकी, तो तब भी ऐसा ही
दौर था। अब भी पहुंच से दूर हैं आम लोगों की पहुंच। आज मौसम है, बादल हैं आसमान पे। ये पहन के आप तस्वीरें बनवा सकते हैं। ये दीवानी खास का अंदर का नज़ारा है। वो जो सामने नज़र आ रही है चीज आपको, वहाँ पे बादशाह सलामत बैठते थे। मैं थोड़ा और पास जाने की कोशिश करता हूँ। उस दौर में इसमें पानी था, फुवारे चलते थे, यहाँ पे बैठते थे बादशाह सलामत। और जैसे ही आप दीवानी ख़ास की इस जाली से बाहर देखेंगे तो पूरे लाहौर का आपको नज़ारा नज़र आएगा। ये है जनाब, इस खिड़की से जैसे ही मैंने बाहर देखा तो ये पूरे लाहौर का नज़ारा नज़र आ रहा है। ये है किले की वो बैरूनी दीवार जहाँ पे सिपाही खड़े होते थे, यहाँ पे गश्त भी हुआ करते थे जी उस दौर में। ये किले की बैरूनी दीवार है और ये जो आपको सामने नज़र आ रहा है ये वो, अगर आप नोट करेंगे तो वो रास्ता था, वहाँ पे लोग सिपाही जमा होते थे, हाथी घोड़े बाकी चीज़ें मसला वगैरह, और इन पे गश्त हुआ करता था। और ये आप नोट करें तो शाही किले का कुछ थोड़ा सा काम भी जारी है। इन पाइपों से दूसरी तरफ आप देखेंगे तो मीनार पाकिस्तान भी है। ये था जनाब शाही किला लाहौर का नज़ारा। ये दीवाने खास, मैं उस जगह पे खड़ा हूँ जिस जगह पे बादशाह सलामत बैठा करते थे। ये जो छोटा सा रास्ता है दीवाने खास से इस तरफ आता है, और ये देखें किले का एक और हसीन नज़ारा। मैं आपको दीवाने आम भी दिखाऊंगा जी, दीवाने आम किस तरह का है। ये था दीवाने खास, वो सामने जो इमारत है इसके बैक साइड पे दीवाने आम था। ये जनाब मुगल गैलरी है, इसमें वो पुराने दौर की चीज़ें रखी हैं, लेकिन इसमें भी जाना। ये जो बड़ा हाउस है इसमें उस दौर में पानी हुआ करता था और हल्के फुल्के फुवारे और ख़ूबसूरत नज़ारा था ये भी। अब जगह जगह काम जारी है इसलिए पाइप वगैरह लगा दिए हैं साइडों से इस तरह का। और ये है मुगल गैलरी। सैर करने के बाद आ चुके हैं दीवाने आम में। दीवाने आम के जो चारों तरफ एक छोटे छोटे पार्क बनाए हैं, मैं पहले उनकी आपको सैर करवाता हूँ, उसके बाद मैं दीवाने खास की इमारत की आपको सैर करवाता हूँ। ये खूबसूरत से पार्क बनाया है, यहाँ पे आप बैठ सकते हैं, गपशप कर सकते हैं। उस दौर की बनाई हुई कुछ तोपें भी मैं आपको दिखाऊँगा जो पड़ी हैं यहाँ पर। और ये जनाब दीवाने खास की इंतहाई खूबसूरत इमारत है। वो इमारत संगे मरमर से बनी है और ये लाल पत्थर से बनी है। ये दीवाने आम है जी, यहाँ भी उस दौर में जिस जगह पे बादशाह सलामत बैठते थे, मैं वो जगह आपको जाके दिखाता हूँ कि वो जगह कौन सी है, कहाँ पे वज़राए खड़े वज़ीर खड़े होते थे और बाकी आम लोगों की फिर भी यहाँ तक भी पहुँच बड़ी मुश्किल थी जी। इस जगह पे आप घूम के फिर के आपको ये एहसास हो सकता है कि आप भी उसी दौर में जी रहे हैं। ख़ुद को बादशाही तसव्वुर कीजिए। शाही किला लाहौर का इतना बड़ा इसका अंदर से है कि आप घूमते घूमते थक जाएंगे, ख़त्म होने पे नहीं आएगा। काफ़ी लंबी चौड़ी इसकी हदबंदी है। ये वो सीढ़ियाँ हैं जहाँ से गुजर के हम जाएँगे बादशाह सलामत, जिस जगह पर बादशाह सलामत बैठते थे उस जगह पर। मैं आपको दिखाता हूँ जी कौन सी जगह थी। ये लाल पत्थर से बनाए हुए पिलर, क्या इस जगह पे सच कहें तो एक शहर सा तारी हो जाता है। ये वो जगह है जहाँ पे बादशाह सलामत बैठा करते थे, इस जगह पे बादशाह सलामत बैठा करते थे। और बाकी इस जगह पे हवाम वगैरह गुजरा और बाकी लोग अपने आम की सीढ़ियों पे खड़े होकर जैसे आप देखेंगे तो आपको लंबे चौड़े प्लाट नज़र आएंगे जो सरसब्ज़ घास से भरे पड़े हैं। यहाँ पे फैमिलीज हैं, लोग हैं जो सैर तफरी के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। कहीं और चलते हैं, कोई नई जगह की आपको मैं जाके सैर करवाता हूँ। अगर आप इस दरख्त को नोट करेंगे तो ये काफ़ी फैला हुआ दरख्त है, एक सिरे से दूसरे सिरे तक तकरीबन 100 फुट बनता है ये। जनाब उस दौर की तोपें हैं, इनको इस्तेमाल करके दुश्मनों को मारने की। ये उस दौर की वो तोपें हैं जो दुश्मनों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होती थी। इनका वज़न आप देखें, उठाना किसी के बस की बात नहीं है। दोस्तों हमने आपको लाहौर किले की सैर करवाई, आपसे गुजारिश है हमारे जाते जाते चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल के निशान को भी दबा दें ताकि इस तरह की अच्छी और बेहतरीन सी वीडियो आप तक आसानी से पहुंचती रहें। अब अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और उन लोगों का भी जो आपसे बहुत प्यार करते हैं। मिलेंगे किसी अच्छी वीडियो में दोबारा, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।